हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका गौर वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस 5000 थाउजेंड एम सीरीज़ की आज हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एम कर लिए हैं और उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी एंड आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं इनफैक्ट प्ले का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं यहाँ से वर्क ऑफ थॉमस ग्रे हैज बीन हेल्ड एज अ मार्क ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द क्लासिकल स्कूल एंड द रोमांटिक स्कूल सो दीज आर द टू एज द क्लासिकल स्कूल सेकेंड वन इज द रोमांटिक स्कूल क्लासिकल स्कूल किसकी एज है जिस एज को हम अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जानते हैं द एज ऑफ पोप और द ओगस्टन एज रोमांटिक स्कूल में रोमांटिक राइटर्स आते हैं जैसे कि जॉन कीट्स हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए है ना? तो इसी टाइम पीरियड में इन दोनों ही एज के बीच में जो पीरियड होता है मतलब हर एक एज के बीच में जो पीरियड होता है ना उसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं तो इसी टाइम पर थॉमस ग्रे ने एक पोइटिक वर्क लिखा था आपको बताना है कि वो पोइटिक वर्क कौन सा है विच सेट अ मार्क ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू एजेस हैं ओड ओड टू टू स्प्रिंग द डिसेंट ऑफ द एलिजी आंसर है करेक्ट द एलेजी थॉमस ग्रे का कौन सा ऐसा वर्क है विच सेट अ मार्क ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द क्लासिकल स्कूल टू रोमेंटिक स्कूल सो द व वर्क इज द एलिजी ये जो पोअम है ये लिखी थी सेवनटीन फिफ्टी में जिसे पब्लिश कराया गया सेवनटीन फिफ्टी वन में इस पोम का नाम क्या है पूरा नाम है द एलेजी रिटर्न इन अ चर्च यार्ड पूरा नाम क्या है पूरा टाइटल है एलिजी रिटर्न इन अ चर्च यार्ड और ये इन्होंने किसकी डेथ पर लिखी थी ये इन्होंने रिचार्ड वेस्ट की डेथ पर लिखी थी रिचार्ड वेस्ट जिनकी डेथ हुई थी 1742 में ठीक है और उनकी डेथ पर थॉमस ग्रे ने यह एलिजी लिखी थी जिसका फुल टाइटल है एलिजी रिटर्न इन चर्च यार्ड जो 1751 में पब्लिश हुई थी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्री रोमेंटिक पोइट्स कौन से ऐसे प्री रोमेंटिक पोइट्स हैं जिन्होंने ये पोम लिखी पोम का नाम है द सीजन्स ऑप्शन है कॉलेंस ग्रे थॉम्प्सन गोल्ड स्मिथ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनका पूरा नाम है जेम्स थॉम्सन जेम्स थॉम्सन ने द दीजन्स करके एक पोम लिखी एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ फोर पोम्स जिसमें इन्होंने सीजन्स की बात की एंड पहले कौन से सीजन से इन्होंने शुरू किया द विंटर से जेम्स थॉम्सन एक स्कॉटिश पोइट थे जो एटीनथ सेंचुरी से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट है जेम्स थॉमसन का एक वर्क है कासिल ऑफ इंडोलेंस ये इन्होंने किस फॉर्म में लिखा था ऑप्शन हैं ब्लैंक वर्स फ्री वर्स स्पेंसेरियन स्टेंजा या फिर सोनेट्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट स्पेंसेरियन स्टेंजा जेम्स थॉम्सन जो कि एक स्कॉटिश पोइट थे ये एटीन सेंचुरी से बिलोंग करते हैं इन्होंने एक पोम लिखी कासल ऑफ इंडोलेंस जो इन्होंने लिखी थी स्पेंसेरियन स्टेंजा में और ये वर्क आया था 1748 में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये वर्क है ना द कासल ऑफ इंडोलेंस इन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजाज में इसको लिखा था लेकिन एटीनथ सेंचुरी में स्पेंसेरियन स्टेंजाज को लेकर इतना ऑथर्स लिखते नहीं थे ठीक है मतलब स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज नहीं करते थे स्टिल जेम्स थॉम्सन ने कासल ऑफ इंडोलेंस में uh, स्पेंसेरियन स्टेंजा को जब यूज़ किया तो इसका इन्फ्लुएंस अदर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स पर आया जैसे कि लॉर्ड बायरन विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन कीट्स एंड अदर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स और फिर इन राइटर्स का स्पेंसेरियन स्टेंजा में इंटरेस्ट आने लगा था आफ्टर रीडिंग कासल ऑफ इंडोलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पोम्स बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ आर आपको बताना है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ के कौन से दो इम्पोर्टेंट वर्क हैं दो इम्पोर्टेंट पोअम हैं ऑप्शन देखिए द टास्क एंड द ट्रैवलर द ट्रैवलर एंड द डेजर्टेड विलेज द डेजर्टेड विलेज एंड द टास्क द टास्क एंड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द ट्रैवलर एंड द डेजट विलेज ये दोनों ही पोम्स किसकी हैं ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन फॉर हिस्स प्योर सिंह लिरिक सच एज माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज एंड नेक्स्ट है अड्ड किस एंड देन वी सेवर यहां पर फोन्ड आएगा फाउंड नहीं फोन्ड है तो ये दो लिरिक वर्क हैं। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज एंड सेकेंड वन इज अफोन किस एंड देन वी सेवर ये वर्क किसके हैं ऑप्शन है, है ब्लैक या फिर बर्न्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ये वर्क है रॉबर्ट बर्न्स के इनका पूरा नाम क्या है रॉबर्ट बर्न्स अब चलिए वन बाय वन इन दोनों वर्क की बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज आप इस टाइटल को सिर्फ ऐसे भी याद कर सकते हैं मतलब एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ हाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं रेड रेड रोज सिर्फ इतने छोटे टाइटल से भी याद कर सकते हैं ये जो पोम है ये आई थी 1794 में रॉबर्ट बर्न्स जो कि एक स्कोट्स पोएट थे और इस वर्क में लवर ने अपना डीप लव शो किया है फॉर हिज बिलवड एंड लवर सेज दैट हिज लव विल लास्ट लॉन्गर देन ह्यूमन लाइफ एंड लवर ये भी कहता है अपने बिलविड को कि उनका प्यार अपने बिलविड के लिए हमेशा फ्रेश एंड कांस्टेंट रहेगा मतलब हमेशा सदा बाहर रहेगा ठीक है अब जो इनका नेक्स्ट वर्क है अफोन्ड किस एंड देन वी सेवर सेवर का मतलब होता है अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर होना मतलब एक ही चीज़ के दो टुकड़े कर देना तो यहाँ पर ये वर्ड जो लवर है वो अपने एंड अपनी बिलविड के लिए यूज करते हैं कि हम दोनों एक हैं लेकिन हम अलग हो रहे हैं सो दैट मीन्स इट इज अ दैट मीन्स ये वर्ड है सेवर ओके okay, अब देखिए इसमें जो लवर है वो अपने बिलविड के लिए ये पोम लिखते हैं जब उनकी बिलविड स्कॉटलैंड जा रही होती है और लवर को ऐसा लगता है कि अब वो अपने बिलाविड को कभी देख नहीं पाएंगे इसीलिए वो यहाँ पर एक किस की डिमांड करते हैं एक लविंग किस की डिमांड करते हैं बिफोर दे हैव टू सेपरेट ओके सो ये दोनों पोम हैं रॉबर्ट बर्न्स की नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोअम बाई कूपर रिटर्न इन ब्लैंक वर्स कंटेन्स द फेमस लाइन वो कौन सी लाइन है गोड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन ये जो लाइन्स हैं ये किस वर्क की हैं ऑप्शन्स आर द टास्क दिलेज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर द डेजर्टेड विलेज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द टास्क ये वर्क किसका है ये वर्क है कूपर का अब ये जो पोएम है द टास्क ये सिक्स बुक्स में आई थी कितनी बुक्स में सिक्स बुक्स में और ये वर्क आया था 1785 में और इस वर्क के बाद कूपर को सुप्रीम अचीवमेंट मिल गई थी मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई थी इनकी ये पोम ओके okay? और इनकी इस पोम में एक फेमस लाइन है गोड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन जिसमें कूपर कहते हैं कि जो कंट्री साइड है जो विलेज है जो गाँव है ये भगवान द्वारा बनाई है बनाई गई है एंड टाउन एंड जो मेट्रोपोलिटन सिटीज है ये मैन मेड है और ये जो पोवम है द टास्क ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है ये जो पोएम है ये सिक्स बुक्स में आई आपको सिक्स बुक्स का नाम पता होना चाहिए ठीक है मैं वन बाय वन बता देती हूं पहली है द सोफा दूसरी है द टाइम पीस थर्ड है द गार्डन फोर्थ है द विंटर इवनिंग द विंटर इवनिंग फिफ्थ है मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टाइटल है द विंटर मॉर्निंग वॉक सिक्स है द विंटर वॉक एट द नून ओके दोबारा से इसको पढ़ते हैं कूपर का एक वर्क है द टास्क ये एक पोम है ये पोम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इस पोम में एक फेमस लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन और ये जो पोम है ये सिक्स बुक्स में इन्होंने पब्लिश की और 1785 में ये वर्क आया था और वो सिक्स बुक्स का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वन इज द सोफा सेकेंड वन इज द टाइम पीस थर्ड वन इज द गार्डन विंटर इवनिंग वॉक एंड सिक्स वन इज द विंटर वॉक एट नून चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिन्स ओड टू सिंप्लिसिटी एंड ओड टू इवनिंग एंड थॉमस ग्रे का कौन सा ओड है इटन ओड एंड ओड टू स्प्रिंग वर्ड्सवर्थ का कौन सा ओड टू नाइनगल अब ये जो तीनों राइटर हैं इन्होंने ओड्स लिखी हैं ये ओड्स किस फॉर्म में है आपको ये बताना है ऑप्शंस आर पिंडारिक ओड पेट्रॉकन ओड ओड या फिर स्पेंसेरियन ओड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हॉरेशियन ओड हॉरेशियन ओड कपलेट में लिखी जाती है या फिर कोट्रेन में लिखी जाती है कपलेट का मतलब क्या है दो लाइन में एंड या फिर फोर लाइन में लिखी जाती है और फोर लाइन्स का मतलब क्या है कॉट्रेन्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट नंबर ऑफ द टैटलर स्टील अनाउंसड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द न्यू जर्नल विल बी बेस्ड अपॉन अब जो ये प्रियोडिकल है द टैटलर ये है रिचार्ड स्टील की प्रियोडिकल ये किस चीज पर ये जर्नल किस चीज पर बेस्ड था ऑप्शंस हैं मतलब इसका मेन सब्जेक्ट क्या था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड या फिर मैन ऑफ लेटर्स या फिर लिटरेचर ऑफ़ द एजेस या फिर क्लब्स और मैन ऑफ लेटर्स जिसको नहीं पता मैं बता दूं यहाँ पर बात हुई है कि फेमस राइटर्स के ऊपर लिखना या फिर एजेस के ऊपर लिखना या फिर क्लब्स के ऊपर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लब्स के ऊपर क्योंकि इस टाइम पर क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस थे है ना हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है जिसने नहीं देखे हैं तो आप सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं हमने क्लब्स के बारे में डिटेल में बात की हुई है द टेटलर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूं ध्यान रखना द टेटलर जो है ये तीन बार वीक में आती थी दैट इन अ वीक ये पब्लिश होती थी जैसे कि टी टी एस ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे ऐसे करके ठीक है ये टू थर्टी इन नंबर्स थी जिसमें से फोर्टी टू जो नंबर्स फोर्टी टू सीरीज जो है वो एडिशन की है एंड रेस्ट स्टील की है और ये जो टैटलर है ये 1709 अप्रैल में शुरू हुआ था ये प्रियोडिकल और स्टॉप कब हुआ जनवरी 1711 में ओके द टैटलर जो ये प्रियोडिकल है ये जो जर्नल है ये शुरू हुई थी 1709 अप्रैल से और स्टॉप कब हुई जनवरी 1711 तक रेगुलर चली है लेकिन 1711 में ये स्टॉप हो गई थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट अ हंड्रेड पेपर्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन वर कॉन्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेवनटीन फिफ्टी एट डॉक्टर जॉनसन ने भी प्रियोडिकल्स जर्नल्स, जर्नल्स जर्नल्स जो है पब्लिश कराए हैं ठीक है तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जर्नल है जो जिसमें हंड्रेड पेपर्स इंक्लूडेड हैं एंड 1758 से 1760 के बीच में वो इनका प्रियोडिकल आया था ऑप्शंस आर द स्पेक्टेटर द टैटलर द आइडलर या फिर द रैम्बलर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द आइडलर आइडलर का टाइम क्या था 1758 से 1760 अब जो ये ऑप्शन नंबर डी है ना ये है द रैम्बलर ये भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की प्रियोडिकल है बट ये जो है ये जो प्रियोडिकल है दैट रैन फॉर 1750 टू सेवनटीन फिफ्टी टू तो ईयर याद रखना आप ठीक है रैम्बलर का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम सेवनटीन फिफ्टी टू सेवनटीन फिफ्टी टू एंड आइडलर का है सेवनटीन फिफ्टी एट टू सेवनटीन तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो पहली प्रियोडिकल थी रैमर एंड सेकेंड द आइडलर नेक्स्ट है एडवर्ड केव्स मंथली विच मेड अ मोडेस्ट बिगनिंग इन 1731, थर्टी वन वॉज नेम्ड एडवर्ड केव जिनकी मंथली मैगजीन पब्लिश होती थी 1731 में जिसकी बिगनिंग हुई थी आपको उस मैगजीन का नाम बताना है ऑप्शंस आर द मैगजीन द जेंटल मैगजीन द रिव्यू या फिर द मंथली रिव्यू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट द जेंटल मैगजीन क्या है द जेंटल मैगजीन विच रैन फ्रॉम सेवनटीन टू नाइनटीन और ये जो मैगजीन uh, है इसमें सैमुअल जॉनसन ने एज अ राइटर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम किया है नेक्स्ट है ओलिवर गोल्ड स्मिथ इनकी अपनी एक प्रियोडिकल थी विच रैन टू ओनली एट वीक्स एट वीक्स का मतलब क्या है सिर्फ टू मंथ्स चली फिर वो तो आपको बताना है कि वो कौन सी प्रियोडिकल है ऑप्शन आर द बी द रेंगुलर पब्लिक लेजर या फिर कोवरले पेपर्स करेक्ट आंसर इज द बी ठीक है अब ये जो uh, प्रियोडिकल है इनकी द बी इट रैन फॉर ओनली टू मंथ्स सिर्फ और सिर्फ आठ हफ्ते ये जो है इनकी प्रियोडिकल चली थी एंड देट स्टार्टिड इन सिक्स ऑक्टोबर सेवनटीन फिफ्टी नाइन टू ट्वेंटी फोर नवेंबर सेवनटीन फिफ्टी नाइन ओके द बी विच इज अ प्रियोडिकल ऑफ ऑलिवर गोल्ड स्मिथ विच रैन फ्रोम क्टूबर सेवनटीन फिफ्टी नाइन टू ट्वेंटी फोर नवम्बर सेवनटीन फिफ्टी नाइन हो गए ना दो महीने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये वर्क है किसका गोल्ड स्मिथ का ये ओरिजिनली किस जर्नल में पब्लिश हुआ था अपियर हुआ था ऑप्शन हैं द स्पेक्टेटर द रैम्बलर द पब्लिक लेजर या फिर द मंथली रिव्यू करेक्ट आंसर इज द पब्लिक लेजर जो कि एक डेली जर्नल था ठीक है और ये जो जर्नल है ये जनवरी 1760 से स्टार्ट हुआ था एंड अगस्त 1761 तक ये चला था जनवरी 1762 अगस्त 1761 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विज़न ऑफ मिर्जा एंड पब्लिक क्रेडिट आर पॉपुलर एलिग्रीज बाय ये किसने लिखी गोल्ड स्मिथ एडिसन स्टील या फिर जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोसेफ अडिसन की ही ये दोनों एलिगरी हैं जिसमें इन्होंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर बात की है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रोजर डे कोवरले ले वॉज़ ये एक फ़िक्शनल कैरेक्टर थे बट ये किसके वर्क में थे और ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है ये किसने इंट्रोड्यूस किए ऑप्शन देखते हैं द पब्लिशर ऑफ कोवरले पेपर्स द पैटर्न ऑफ एडिसन द फेमस इमेजनरी ओल्ड मैन ऑफ एडिसन एसेज या फिर द ओनर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रोजर सर रोजर डे कोवरले ये एक फिक्शनल इमेजिनरी ओल्ड मैन का कैरेक्टर था विच अपियर इन एडिसन एसेज नेक्स्ट है एडिसन हैज बीन ऑफन हेल्ड एज द पाइनियर ऑफ एडिसन को किस चीज का पायनियर माना जाता है ऑप्शंस हैं फॉर्म, द मॉडर्न नोवेल, द प्रोज फिक्शन या फिर द मिडल स्टाइल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट द मिडल स्टाइल क्योंकि इनके वर्क काफ़ी सिंपल ल्यूसिड नेचुरल होते थे काफ़ी मॉडरेट होते थे एंड एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सप्रेशन नहीं होता था बहुत सिंपल होते थे नेक्स्ट हु कोल्ड एडिसन प्रोज एज एटिक एंड एसियाटिक एटिक का मतलब क्या होता है एटिक का मतलब होता है सिम्प्लिसिटी प्योरी प्योरिटी या फिर रिफाइनमेंट एंड एसिएटिक का मतलब होता है जहाँ पर थोड़े से डेकोरेटिव चीज़ों को यूज किया जाए लिखने के लिए प्रोज में तो एडिसन के प्रोज को एटिक भी कहा है एसिएटिक भी कहा है किसने कहा है ऑप्शन देखिए जॉनसन स्टील एर्नोल्ड या फिर एडिसन हिमसेल्फ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एडिसन ने कहा है सॉरी uh, एर्नोल्ड ने कहा है एडिसन के प्रोज को एटिक एंड एसियटिक किसने कहा एर्नोल्ड ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे आप तो आज के लिए इतना ही और कल हम नई वीडियो में नई एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना यू कैन फॉलो मी मिन इंस्टाग्राम एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल दिस साइड प्रियंका गोर आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग थैंक यू